प्रधानगी मंडल ते भैनों ते भराओ, अज असी फ्रेंड्स क्लब के सदे ते जो इकट्ठे हुए हैं, जो सैमीनार करवाया गया पंजाबी भाषा का विकास, जां फिर मैं समझा कि हर व्यक्ति लई तीन मावां, पहली मां जन्म देने वाली, दूजी मां साड़ी जन्मभूमि, तीसरी मां साड़ी मां बोली। जिहड़ा मनुख इन्हां तिन्हां चों किसे इक नूं भी भुल जावे तो मैं समझदा वह मनुख कहण दा हकदार ही नहीं। जिहड़ी कोई मां बोली शुरू होंदी है वह घर तों शुरू होंदी है। सो फ्रेंड्स क्लब बधाई दी पात्र है, इन्हां ने पहला वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंसां कराईआं, दीप मनमोहन जी इंडिया तो आए ने, असी जून महीने फ्रिजनों के उत्ते भी वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस करवाई गई। मेरे एक कबड्डी वाले की गल याद आ जाती है, वो इतों एक बार कबड्डी का टूर्नामेंट करवा गए तो उन्होंने उत्थे जाके टूर्नामेंट तो एक दिन पहला की गल, उन्होंने अपने आप ग्लास ग्लूस मंगा ले, बोतल मंगा लिया पानी दियाँ, कई ने शराब पी ली, कई ने अफीम खा ली, तो असं आखिया थोड़ा मकसद की आ, कहते जी पंजाब चो नशियां दूर करना है। तो ये गल कई बार साडे प्रबंधक भी कर देंगे ने, यह पहली बार होया कि यह बधाई के हकदार ने, इन्होंने पंजाबी बैनर लाया। एक बार तो साडे कौंसल जनरल तीर सिंह जी थी, उन्होंने भी टोकया कि मैं डेढ़ घंटे तो देख रहा जिन्हें बुलाए ने सब इंग्लिश बोल रहे हैं, एक भी बंदा पंजाबी दे विच कोई गल नहीं कर रहा। तो मैं समझदा कि चट्ठा साहब ये तुसीं वधिया गल कीती है, बड़ियां वधिया गल्लां लगदियां जद अखबारां च पढ़दे हां, कनेडा दी पार्लीमेंट च तीजी भाषा पंजाबी है, जदों ये सुनदे हां कि साढ़े 17 MP पंजाबी चुने गए, जदों ये देखदे हां कि लखां दा इकट्ठ होया नगर कीर्तन ते, जदों ये देखदे हां कि शोआं दे विच हज़ारां लोग पहुँचे, टिकटां नहीं मिलियां मुड़ के गए, जदों ये सुनदे हां कि पंजाबी दीआं फिल्मां दे हाउसफुल तीन दिन तक लगातार रहे, पर अफसोस हुंदा जदों इहो जिहे इकट्ठां दे विच साडा 100 बंदा बनावे। सानूं अपने आप तों अंदाजे लग जांदे ने कि साडी पंजाबी भाषा दा भविख किहो जिहा है। जो मर्जी कह लईए असीं पंजाब नूं छड्ड के इत्थे आ गए हां, ते इत्थे पंजाब दे विच जे देखिए उत्थे सारे यूपी तो होर स्टेटा के बिहार तो बंदे आ गए हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एक बार हो रहा, मैं उत्थे यही गल कही सी कि असी गोरियां नूं पंजाबी सिखाउण लग गया ते तुसीं भईयां तो हिंदी सीख ली, कई बंदे ने मेरे ते इतराज़ किया, गल है भी ट्रू। पंजाब दे विच असीं जे देखिए हर घर दे विच जिहड़ा भी नौकर है उन्हें साडे बंदिआं नूं पंजाबी सिखाया, पंजाबी की थां हिंदी सिखाती, तो इतने असं जिन्होंने सिखाने कई बार फायदा भी होंगे, कई बार घाटा भी होंगे। साड़ी एक पॉलिटिशियन की थोड़ा चिर होया मार्टन गुरदास साहब बैठे, तो वह जदों वह नाँ लिया भी ये हूँ ये अपना भाषण दो, एक होर माई बैठी थी वो कहती लै हूँ ये कुत्ती उठ खड़ी, इन्हें नहीं घाटा उठना, वो कहती मैं कुत्ती नहीं मैं MP हाँ। तो मेरे कहने का भाव यह कि जेड़े लोग सीखते ने भाषा, जेड़े लोग बोली दे साडिया दूजे लोग जोड़े ने पंजाबी भाषा के वल नूं वध रहे ने, उत्थे असी घट रहे हैं। साडे कित्थे गए रिश्ते, भूआ फुफड़ मासी सारे आ के अंकल आंटी आ गए, कई बार तो पता नहीं लगता, कई थावां ते तो पुछना ही पैंदा भी ये भूआ कि फुफड़ा कि मासी है की है, सानूं पता तो लगे अंकल आंटी तो सारे हो गए ने। असी पंजाब दे विच्चों मैं धनवादी हाँ खास तौर पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जिहड़े उद्यम कर रही आ, मैं समझदा कि वो बहुत ज़्यादा सब तो वध जे देखिया वे सरकारां नूं भी वध कर रहे हैं। तो इत्थे असीं आके जदों पंजाब दे विच असीं आ जांदे हां, तो इत्थे आके जिहड़े साडे अंतरराष्ट्रीय ब्याह ने वह भी साडी बोली नूं खत्म करते जा रहे हैं। साडे अपने बच्चे, मेरे एक दोस्त का बेटा सी, उह मेरे कोलों हुणों हट गया, 5-7 वारी आया, तो मैं उहदे फादर नूं पुछिया कि तेरा बेटा नहीं आ रहा, वो कहिंदा अंकल तां पंजाबी बोलदे ने, जद मैं जांदा मैनूं नहीं उहदी समझ आउंदी, मैं नहीं जांदा उहदे कोल। साडे बच्चे सानू घरां दे विच वी जिहड़े ने वो बोलण वास्ते इनकार करदे ने, मैं मेरा बेटा यूनिवर्सिटी पढ़ रहा,
मैं किसी नूं भी बिठा के गया तू पंजाबी बोल लैना समझ लैना तू लिखनी भी सिख कल नूं हो सकदा अखबार ते अपना अंदर टीवी आए इन्हां तू संभालेगा। वो कहिंदे जी ये तुसीं सोचो मैं पहली गल तां मैं मीडिया च आउणा नहीं ते मैं मैडिकल लाइन च जाणा ते मैं इस गल नूं सोचदा कि जे असीं अज तों 100 साल बाद आवांगे असीं जो मर्जी नीघा मर जाइए कि असीं ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਉਹਦੇ ਮੱਛੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬਚਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਮੱਛੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਰੇਡੀਓ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੋਊਗਾ ਬਾਕੀ ਅੱਖਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਮਾਈ ਜੱਟਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਤੇ ਜੱਟਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੂਲੀਅਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਵੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਤਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਲਾਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 50 ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ 5-4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਬਹੁਤੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਜੈਵ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਉਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੀਪ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰੀਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਐਪਲ ਲੈ ਲੈ ਬਨੈਨਾ ਲੈ ਲੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਡੀਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਗਏ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਏ
तो महाराज उन्होंने पूछा भी अपना रिश्तेदार से, कहना ना जी तुम जानते सी बहुता नहीं थोड़े ही, तो मैं तुम इन्ना क्यों रोए? कहते ये मेरा पाठक से मेरे अखबार का। मैं क्या फिर? कहें जी पाठक मर गया, जमना नहीं इंग्लैंड। मैं ये गल दावे ना कह सकता कि असी जो मर्जी कह लिए ठीक है, बहुत सारे परिवार जिहड़े सियाने ने वो एक पुस्तक बचा लेंगे, किन्नियां बचाउणगियां दो पुस्तकां बचा लेंगे, पर साढ़े पंजाब की हाल हो रहा? पंजाब दे विच साढ़े पहिए सरपंच बन लग गए, मैंबर पंचायत बन लग गए, दिनों दिन असी वो एक जगह जिहड़ी पंजाबी मां बोली का बेस थी, जिथे लोगों ने पंजाबी मां बोली नाल जुड़े वो असी खाली करती, खाली थां ते वो आ गए, असी इत्थे आ गए। हुण इत्थे आके भी असी अपनी जिन्ने रह गए उन्होंने बहुत सारे, मैं समझा कि जिहड़े साढ़े पोलीटिशियन भी ने उत्थे आउण जां इत्थे आउण बहुतां दा दिखावा हुंदा। अज तो खुश हो जाने जो आके कहते बेगरू जी का खालसा बेगरू जी की कहाँ के कमाल है, भी इन्नी गल ना खुश हो जाने, उन्होंने की फर्क पैंदा, दो अक्षर सीख लेंगे ने। है बहुत कई सीखने वाले, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच एक मुंडा पढ़ के आया प्रसव, इत्थे पंजाबी दे विच गीत गाउंदा मिस्सा करदा रहण वाला, दात देनी पाती है वह जे जे लोग ने जे सा असी अपनी माँ बोली उन्नी देखभाल नहीं कर सकते, असी जुड़ नहीं सकते, जेडे दूजे बाहरों आके दूजे सूबे आके दूजे देशों के आके जन्म लैके साड़ी माँ बोली जुड़न के यतन करते हैं। फेसबुक लै लो, सोशल मीडिया पर आ जाओ, जिते मर्जी आ जाओ, किन्ने क लोग ने जोड़े पंजाबी के लिखते हैं, क्योंकि उन्हों का इंग्लिश के एक ना अखर लिखण के नाल ही कम सर जाता। डे बाई डे की हो रहा, पंजाबी साड़ी बोली जी दिन दिन घट रही है। एक पंजाबी की कहावत सुनी थी कि एक बार अग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले सारे होर भी लगे हुए थे, एक चिड़ी वो पानी की चुंझ भर के लैके जाती सी, उत्ते आग मुड़े नहीं सी, किसी ने उन्हें पूछा भी तू अग बुझा देगी, वो कहती बुझा तो नहीं रही, मैं कोशिश तो कर रही हाँ। मैं समझा कि जहर सिंह चट्ठा वर्गे खास तौर पर फ्रेंड्स क्लब वर्गे कोशिश तो कर रहे हैं इसके लिए, पर जिहड़ियां साडियां कमियां पेशियां ये असी एक मुहिम सानू चलाउणी चाहीदी आ, वह चाहे पंजाब होवे, चाहे वह पाकिस्तान होवे, चाहे वह कनेडा होवे, चाहे वह अमरीका होवे। दीपक मनमोहन वर्गे जिहड़े उत्थों, मैं तो सोचता जी अजे गए ही नहीं वापस, कहने जी मैं गया तो वापस मुड़िया, इन्हां ने अगलिया कॉन्फ्रेंसां की भी तैयारी कर ली, वधिया गल्लां ने जिहदे नाल असी कोशिश कर सकते हैं, पर अगली कोशिश तो सानू करनी पैंदी आ। असी अपने घर के बैठे किवें असी वध तों वध बंदियां नू लिया सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये सुनेहा पहुँचा सकते हैं। साड़ी पंजाबी मीडिया की ला लो गल, असी पंजाबी भाषा की गल कर रहे हैं, जिहदे ते उन्हां दा मीडिया चलना, किन्ने क बंदे आए ने अज इत्थे, किन्ने क कैमरे खड़े ने, एक कल्ला अपने साडे दोस्त ने अपने टैग टीवी तो, इन्हां तों अलावा किन्ने क बंदे ने, मैं समझदा कि किन्ने क बंदे ने इहदा प्रचार कीता, लोगों तक सुनेहा दिता कि नहीं असी पंजाबी भाषा के भविख बारे गल करनी आ, जिहदे ते साडा रुजगार चलता, जिहदे ते असी अपने कारोबार चलाए पए ने, जिहदे ते असी गल करनी आ, असी उत्थे भी नहीं आ सकते। तो मैं समझदा कि इहदे विच कल्ला नहीं, असी सारी उहदे विच बहुत सारे कसूरवार आ। कई बंदियां दी कहनी ते करनी बड़ा फर्क हुंदा, बहुत देखे ने धार्मिक बंदे होणगे वो गुरुद्वारे जाके बोलेंगे जी सोगो मंद आखिए जित जमे रजान, करे घर वाली उठ के गए होंगे। तो ये चीज़ा ने जिहड़ियां सानू अपने आप से अमल करना पैंदा, असी अपने आप से जिन्ना चिर लागू नहीं करांगे, अपने घर तो लागू नहीं करांगे, असी पंजाबी भाषा का भविख बचा ही नहीं सकते। इतों बाहर निकलांगे तो साडे च भी अंग्रेजी च गल करन लग जांदे ने, आपस विच भी हुण तां गल्लां भी खत्म हो गईआं, हुण तां टैलीफोन ती गल्लां करदे ने। कई बार देखिया बैठे होंगे एक घर गया, दो बच्चे बैठे हो, वो आपस में टिक-टिक कर रहे थे, असं कि लगे तो वो कहें जी आपस में ही गल करते हैं, जो असी बोलबाणी साड़ी खत्म हो जू, असी गल्लां करन हट जाएंगे। मैं समझा कि साड़ी माँ बोली पंजाबी जी है, यदा फ्यूचर कहता रह जाना, जिन्ना मर्जी असी अज रिपोर्टा करिए यूएनओ की रिपोर्ट गलत है, फलानी रिपोर्ट गलत है, नहीं जदों आपां नूं पता होवे बाबे दा साह कोई कोई चल रहा, उम्र वो 90 साल तो उपर हो गई, डॉक्टर ने जवाब देता, फिर भी असं पंजाबी मानते नहीं होंगे, नहीं जी ये सपोर्ट रह तो खबर है बाबा फिर जो हो जाए, असी ये पंजाबी भाषा में यह सोच के चले गए, साढ़े मन के चीज़ा ने कि नहीं पंजाबी भाषा कदे नहीं खत्म होनी, कदे नहीं खत्म होनी। मैं समझा कि जे सारे लोगों ने सारे पंजाबियों ने ये असी हंबला ना मारिया तो असी अगे नहीं बच सकेंगे, पंजाबी भाषा का फ्यूचर कोई बहुता चंगा नहीं। जिहियां कॉन्फ्रेंसां कराउण दा तदी फायदा कि असी इन्हां कॉन्फ्रेंसां का मैसेज
अपने मीडिया राही साढ़े पॉलिटिशियन राही। मैं जरूर कहाँगा कि साढ़े कैनेडा के जिन्हें पॉलिटिशियन ने जरूर साढ़े मंत्री भी ने साढ़े एम पी ने ओंटारियो सूबे के भी ने कोशिश करिए असी उन्होंने भी इनवॉल्व करिए कलिया जी असैम्बलिया के बोल के ज असैम्बलिया के बधाई दे के इस तरीके दे नाल असी पंजाबी भाषा का जोड़ा फ्यूचर है जायदा भविखा इन वधिया नहीं बना सकते। मैं अखीर दे विच एक गल कहनी जरूर चाहाँगा कि मैं दो शिशिता अज के दिन जरूर याद करदा डॉक्टर दर्शन सिंह ते साढ़े बिन्नी बैंस। मैं उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करदा क्योंकि उन्होंने माँ बोली पंजाबी दे लई विदेशों के खास तौर पर कनेडा के बहुत अहम योगदान पाया। अज जे पंजाबी दे अखबार दुनिया भर में जिहड़े देशों में भी फ्री मिलते हैं वो डॉक्टर दर्शन सिंह की बदौलत ने। असी भी मैं दस साल अपना पेपर सवा डॉलर के बेचिया जब प्रोफेसर दर्शन सिंह उन्होंने शुरू किया फ्री के साड़ा पेपर विकनों हट गया सी। असी लोगों को जो मर्जी टारा मारी जाइए सानू मजबूर बस फ्री करना पिया पर फ्री करके भी सानू लग्या नहीं ये उस तो ही वधिया सी। ये इको दिमाग च आइडिया उन्होंने आया सी। वो जिते भी हुण परमात्मा उन्होंने अपने चरणों से निवास बख्शे। मैं समझा कि सानू होर मीडिया वाले ने भी इस तरह कोशिश करनी चाहिए। चिट्ठा साहब मैं जरूर थोड़ी टीम को बेनती करा कि साढ़े जिहड़े एम पी ने उन्होंने भी संपर्क करो मंत्रियों संपर्क करो एम एल ए संपर्क करिए उन्होंने असी जय फंक्शन के लियाइए साढ़े बच्चों ने लियाइए आप भी इन्होंने भरोसा दवाइए ताकि जय फंक्शन करते हैं कि असी मत के अज इतने नोमीनेशन होनी होंगी किसी की तो मेरे ख्याल बाहर पार्क करने का थान नहीं सी मिलनी। पर यह है भी असं जो विशा छो रहे हैं ये साढ़े न जुड़िया हुआ साढ़े जन्म तो लैके साड़ी गुड़ती जुड़िया हुआ साढ़े बचपन तो लैके साढ़े ज्यादा असं भी अच्छे फटियां जरा लिख लिख के गालीनिया पोच के सिखाते होंगे वो चीज़ा साड़ी माँ बोली पंजाबी जुड़िया हुई सियाँ असी कले कले गीत बनाते हैं सूरदा सूरदा फटी सिखा याद आदि ने अजे भी गल् पहाड़े अजे तक नहीं असी भुले पंजाबी के। मैं समझा कि इतने आके असी सब कुछ भुल गए हूँ जे इतों बैठ के असी पंजाब दीआं गल्लां करिए पंजाब दे विच भी मैं समझा जिहड़े साडे भैण भाई ने अज जे कनेडा छुट्टी दे देवे अमरीका दे देवे सारा पंजाब इत्थे आ जाए। सो कोशिश करिए असी अपनी पंजाबी भाषा दा पंजाबी पढ़िए घर दे विच पंजाबी बोलीए ते होरां लोकां नूं भी पंजाबी बोलण लई प्रेरित करिए। सिर्फ असी निरापुरा पैसे लई जिहड़े भी साडे मीडिया वाले जां असी आ निरापुरा मीडिया नूं ना मुख रखिए असी इहदे ते पाठ लई असी ला रहे हां पंजाबी पढ़न दीआं भी असी टीवी ते रेडियो ते अखबारां दे विच असी जरूर उहदे च लोकां नूं जागरूक करिए कोई जिहियां किताबां कापियां वंडीए। श्रोमणी कमेटी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल करोड़ां रुपए दा हैगा वह भी जे विदेशों के जिहे किताब च जां जिहियां किताबां भेजण जिहदे साडे आउण वाली पनीरी पंजाबी सीख सके। मावां दा बहुत वड्डा योगदान है। मैं मावां नूं भी कहूँगा प्लीज़ घर के जिन्ना है हो सके पंजाबी बोलो जिहड़ा तुसीं बोलोगे उही बच्चे सीखणगे उही साडी आउण वाली पनीरी आ उही साडी पंजाबी दा भविख है। बहुत मेहरबानी थैंक यू। नंबर 1 मल्टीकल्चरल चैनल दिस इज टैग टीवी।